ये बात बता दिया मैंने। अच्छा फिर और देखो कि मैंने शुरू के चैप्टर में बताया था कि जो पौधे हैं, नबातात है, प्लांट्स है, उनके बीज, उनके फूल, उनके फल, उनको सबको आप देखो, आपको जो है ना अल्लाह की सुंदर कारकर्दगी नजर आएंगी कि वो फूल, फूलों के कलर क्यों होते हैं, अलग अलग कलर के क्यों होते हैं। फूल जो है कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कलर होते हैं। अब फूलों के अंदर क्या जान है, क्या उनके अंदर जान तो है मगर दिमाग कहाँ है, उनको क्या मालूम कि ये कलर से और ऐसा कलर से कुछ कीड़े होंगे, कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो फूलों की खुशबू और कलर से अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, इसलिए हमको ये कलर अपनाना चाहिए, ऐसा है। फिर कुछ उसके बीज हैं, उनके अडेप्टेशन देखो, प्लांट्स के और नबातात के अडेप्टेशन देखो, कैसा कैसा उन्होंने अडेप्ट किया। उनके बीज देखो, उनके फल देखो कि फलों के अंदर मिठास कैसे पैदा की हुई है, फलों को, झाड़ों को, दरख्तों को क्या मालूम था उनके अंदर क्या दिमाग था कि भाई हमारे फल मीठे होंगे तो इनको जानवर खाएंगे, इंसान खा के हमारे बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, गुठलियां ले जाएंगे, मगर उन्होंने अपने अंदर मिठास पैदा की ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवर खा के उनके जो नस्ल ज्यादा ज्यादा प्रोपेगेट हो, उनके बीज दूर दूर तक पहुंचे। उनके बीजों के अंदर देखो अडेप्टेशन कैसे हुए, वो भी मैंने बताया कि हर किस्म के दूर दूर जाने के छोटे छोटे पौधे, जंगली झाड़ जो ज्यादा उनकी उम्र नहीं होती है, मगर अपने बीजों को दो कई कई किलोमीटर तक पहुंचाने का उन्होंने इंतजाम किया। ऐसे ऐसे उनने हुक बनाए, अकड़े बनाए, पर बनाए, क्या क्या बीजों ने ये किया, ये भी अल्लाह की होने का जो है सबूत है, प्रूफ है, और अल्लाह के बारे में आपको जानने के लिए एक मौका दिया है इसके अंदर, इसलिए भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए चीजों पर।